गुम है किसी के प्यार में फाइनली एक बार फिर से होगी डीआईजी सर की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सभी यहाँ पर मामा जी के खिलाफ घर वालों को बताने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी सभी की बात मानने को तैयार नहीं होगा। जिसके पास सभी यहाँ पर उसे पता होता है कि ऐसे घर वाले नहीं मानने वाले, लेकिन मामा जी के खिलाफ कोई तो तगड़ा सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। सभी यहाँ वीडियो भी बनाकर लेकर आती है, लेकिन घर वाले यहाँ पर मामा जी को सजा देने की खुद तैयार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए साफ इनकार कर देते हैं कि भाई घर की बदनामी होगी। और एक बार फिर से सभी को तो मौका मिल चुका है। सुरेखा कहती है मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी बोलने का और मुझसे बदला लेने के लिए, तो मेरे भाई के खिलाफ यहाँ पर सबूत थे, मेरे भाई के खिलाफ बोल रही है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होंगे, तो सभी यहाँ पर डीआईजी सर से मदद लेने पहुंचेगी। जहाँ पर भड़के हुए डीआईजी सबूत देखने के बाद पहुंचते हैं भोसले निवास और गिरफ्तार करवा देते हैं मामा जी को। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि घर वालों पर भड़कते नजर आएंगे डीआईजी सर और कहेंगे कि आप लोग कैसे लोग हैं जो पढ़े हुए लिखे हुए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर भी लड़कियों की खातिर अपने घर में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहते इस डर से कि आपकी बदनामी होगी। लेकिन जब तक आप इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेंगे, इनकी जो हिम्मत है 20 साल से इसकी बढ़ती ही जा रही है। अगर आपने काफ़ी सालों पहले इसके करतूतों पर लगाम लगाया होता और अगर आपकी बच्ची को विश्वास होता आप लोगों पर, तो वो बच्ची आकर आपको ज़रूर बताती। आम जैसे लोगों की वजह से ऐसे दरिंदे खुले आम अपने ही परिवारों में घूमते रहते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। और डीआईजी से भड़के हुए यहाँ पर मामा जी को गिरफ्तार करवा देंगे।